उज्जैन के मक्सी रोड के कंचनपुरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कांग्रेस के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री मिली है। कांग्रेस ने इसका वीडियो बनाकर क्षेत्र के आरओ में भेजा है। कांग्रेस समर्थकों ने चुनाव आयोग में इसके शिकायत की बात कही है। आंगनवाड़ी का जो कक्ष था उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री पाई गई। हम लोग उधर से प्रचार करते हुए निकल रहे थे, तब अचानक वहाँ पे नज़र पड़ी तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर्स और ये सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुद्दा ही एक ही बात है कि चाहे जितना भी दुरुपयोग कर लें हर चीज़ का, पर इस बार उज्जैन की जनता जरूर चुनाव जीतेगी। और मैं तो इनको कहता हूँ, खुला आमंत्रण और स्वागत करता हूँ, जितनी कार्रवाई आप सब कर सके उतनी करने की कोशिश कर लीजिए। जितना भी आप ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना चाहते हैं उतना सब कुछ कर लें। उज्जैन की जनता ने मन बना लिया है कि आपकी इन सब जो चालबाजियाँ हैं इनका जवाब वोट के रूप में 3 तारीख को परिणाम में आपको घोषित होगा और कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज होगी। झंडे थे भारतीय जनता पार्टी के और ये अपना सुंदर मालवीय जी का वार्ड था गोपालपुरा में पीछे, तो वहाँ पर ये सारे काम चल रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने बताया है कि मक्सी रोड क्षेत्र में शुक्रवार अपने समर्थकों के साथ जनता का आशीर्वाद लेने पहुँचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये वीडियो बनाया था। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।